रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बड़ा खुलासा, भयूजी महाराज की बेटी ने बताया, कहा इस कारण पिता ने उठाया यह बड़ा कदम। भयू महाराज की बेटी कुहू का स्थानीय मीडिया में आया कथित बयान सुर्खियों में है। उसका कहना है कि वह डॉक्टर आयुषी को मां नहीं मानती, इन्हीं के कारण पिता ने यह कदम उठाया, इन्हें जेल में बंद कर दो। यह कथन कितना सच और झूठ है यह पुलिस जांच में पता चलेगा। वहीं डॉक्टर आयुषी ने भी कथित तौर पर रिश्तेदारों और करीबियों से निजी चर्चा में कहा है कि कुहू को वे और उनकी बेटी पसंद नहीं थे। बहरहाल पुलिस सारे पहलुओं की जांच करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक DIG हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार को कहा कि मौके से मिले सबूतों और मामले की शुरुआती जांच के आधार पर हम कह सकते हैं कि भयू महाराज ने खुद को गोली मारकर जान दी। घटना का स्वरूप और प्रकृति एकदम साफ है। उन्होंने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया, इसकी कई पहलुओं से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में इस बात के संकेत जरूर मिले हैं कि वे पारिवारिक कलह के कारण से तनाव में थे, लेकिन अलग अलग सबूतों और बयानों की रोशनी में विस्तृत जांच जारी होने के चलते हम उनकी खुदकुशी के वास्तविक कारण को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। घटना में जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ है उसे जांच के लिए अपराध विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। यह पता लगाया जा रहा है कि इसका लाइसेंस किसके नाम पर है। भयू महाराज पंच तत्व में विलीन, बेटी ने दी मुखाग्नि। भयू महाराज ने मंगलवार को सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने घर के जिस कमरे में खुद को गोली मारी वे उनकी बेटी का है। पूना से जब भी बेटी आती थी तो इसी कमरे में रुकती थी। भयू को अपनी बेटी से गहरा लगाव था, उसका कमरा अस्त व्यस्त देख कर वे नाराज भी हुए थे। बुधवार सुबह कुछ देर के लिए उनका शव स्कीम नंबर 74 स्थित घर शिवनेरी ले जाने के बाद सूर्य आश्रम पर दर्शनों के लिए रखा गया। उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी और बेटी पूरे समय पार्थिव देह के पास रहीं। बड़ी संख्या में समर्थकों और आम लोगों ने अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। भयू महाराज के अंतिम संस्कार में बड़े नेताओं ने बनाई दूरी। हाई प्रोफाइल आध्यात्मिक गुरुवार भयू महाराज बुधवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। इसके पहले सूर्य आश्रम पर उनका पार्थिव शरीर लोगों के अलावा समर्थकों और अनुयायियों के दर्शनार्थ रखा गया था। भयू महाराज के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश का कोई बड़ा भाजपा या कांग्रेस का नेता शामिल नहीं हुआ। CM शिवराज सिंह चौहान भी नहीं पहुंचे। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे पहुंची। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने SOD को भेजा था। दोनों राज्यों के कुछ विधायक भी अंतिम विदाई देने वालों में शामिल रहे। इंदौर जिला प्रशासन ने कई VVIP के पहुंचने की उम्मीद से व्यापक तैयारी की थी। विनायक भयू के निजी काम भी संभालता था। भयू महाराज ने अपनी संपत्ति और बैंक खातों की जिम्मेदारी अपने सबसे नजदीकी सेवादार विनायक को सौंपी है। वह मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है। इंदौर के अपने संपर्कों के जरिए वह भयू के नजदीक आया था। कई साल से वे उनके निजी काम भी संभाल रहा था। बेटी कुहू की जिम्मेदारी भी उसके सुपुर्द ही थी। भयू महाराज ने जब खुद को गोली मारी तब विनायक घर पर ही मौजूद था, जबकि पत्नी आयुषी किसी काम से बाहर थी। रेस्टोरेंट में मिलने वाली महिला कौन थी, इंदौर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना के एक दिन पहले सोमवार को भयू महाराज इस महिला से मुलाकात करने शहर के एक रेस्टोरेंट पहुंचे थे वे कौन थी। CCTV में दोनों की तस्वीर दर्ज हुई है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, किसी बात पर बहस भी होते देखी गई। उस वक्त भयू महाराज को जानने वाले कुछ अन्य लोग भी रेस्टोरेंट में मौजूद थे। पुलिस इन सब के बारे में पता कर रही है।